दोस्तों, मैं रवि गुप्ता फिर स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल ए टू जेड फौज ब्लॉक में। जी हां, आपके लिए एक नई वैकेंसी और आ गई है। जी हां, आईटीबीपी एएसआई और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का है, टेक्नीशियन का है। क्या पोस्ट होने वाला है, क्या डिटेल मांग रहा है, उसका ये योग्यता क्या है, क्वालिफिकेशन कब है, अप्लाई कब से होगा, कितनी पोस्ट होने वाली है, ए टू जेड आपको जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेके चलते हैं आपके मोबाइल स्क्रीन पे और नोटिस पे ही आपको ये वीडियो देने वाला हूं मैं। तो चलिए आपको नोटिफिकेशन पर लेके आ गए हैं और नोटिस देख रहे हैं साफ साफ, ये आईटीबीपी का नोटिस होने वाला है। इन द बटालियन बॉर्डर पुलिस फोर्स मिनिस्टर होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट ऑफ पोस्ट, देखिए असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लाइब्रेटरी टेक्नीशियन, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्नीशियन, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिजियोथेरेपी, हेड कांस्टेबल, ठीक है ना, सेंट्रल सिटीजन रूम असिस्टेंट, ठीक है ना, सीएसआर असिस्टेंट, कांस्टेबल प्यून, कांस्टेबल टेलीफोन ऑपरेटर कॉम, रिक्रूटमेंट ऑफ द कांस्टेबल ड्रेसर एंड द कांस्टेबल लाइन कीपर। 2024 की ये वैकेंसी होने वाली है। अब चलिए आपको लेकर नीचे चलते हैं, सेम पोस्ट आपका यही दिया हुआ है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लाइब्रेटिशियन इलेक्ट्रीशियन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, आप लोगों ने पोस्ट का नाम देख लिया होगा। सारे पोस्ट के बारे में मैं डिटेल देने वाला हूँ, तो लेकर चलते हैं आपको और नीचे और पोस्ट देख लीजिए आपका कौन कौन सा पोस्ट और कितने वैकेंसी होने वाली है। ये नोटिफिकेशन पे ही वीडियो में बना रहा हूँ। देखिए, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लाइब्रेटरी टेक्नीशियन के लिए महिला और पुरुष दोनों के लिए है, टोटल 7 पोस्ट है, ठीक है ना। यही असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर की बात करता हूँ, महिला पुरुष दोनों के लिए है, ठीक है। जर्नल के लिए 3 सीट है, इनका टोटल 3 सीट है। यही असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ओटी टेक्नीशियन की बात करता हूँ, महिला पुरुष दोनों के लिए 1 सीट है। फिजियो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिजियोथेरेपी के लिए बात करता हूँ, 1 सीट है। अब चलिए आपको लेके और चलते हैं नीचे, आपके अब हेड कांस्टेबल की वैकेंसी क्या होने वाली है। देखिए, हेड कांस्टेबल की जो वैकेंसी है, महिला पुरुष दोनों के लिए 1 है, आपका सिटीजन रूम ऑफ असिस्टेंट एसआर, ठीक है ना, 1 है। कांस्टेबल प्यून के लिए भर्ती है, टोटल 1 पोस्ट होने वाला है। कांस्टेबल टेलीफोन ऑपरेटर के लिए 2 सीट होने वाला है। कांस्टेबल ड्रेसर के लिए आपका 3 पोस्ट होने वाला है, मेल फीमेल दोनों के लिए सीट होना है। कांस्टेबल लाइन कीपर के लिए 1 सीट होना है, टोटल 20 पोस्ट होने वाला है महिला पुरुष दोनों के लिए। अब चलिए आगे बात करते हैं आपका डिटेल में क्या दिया है और नोटिस में देख लेते हैं, ठीक है ना। नोटिस में आप लोग देख रहे हैं कि इसका जो भी अप्लाई का फीस है वो आपका जर्नल और OBC के लिए 100 रुपये का फीस रखा है, बाकी के लिए 0 रुपये का SC, ठीक है ना, SC ST और फीमेल के लिए, ठीक है ना, फीमेल के लिए 0 रुपये का फीस रखा गया है, ठीक है ना। चलिए अब नीचे और आपको लेकर चलते हैं, आपका क्वालिफिकेशन और योग्यता क्या मांग रहा है तो देख लीजिए, एज भी क्या मांग रहा है वो भी देख लीजिए। एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ से देखिए, आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लाइब्रेटरी इलेक्ट्रीशियन जनरल सर्विस, ठीक है ना, ग्रुप सी का, नॉन रजिस्टर्ड मिनिस्ट्रियल का है, बिटवीन यानी आपको क्या लिखा है, साइंस सीनियर सेकेंडरी प्लस 2 एग्जामिनेशन फिजिकल केमिस्ट्री से आप लोग किए हो। एज की बात करता हूँ तो 20 साल से का 28 साल है, प्लस आसमुख आपको 3 साल प्लस 5 साल का छूट दिया गया है, ठीक है ना। डिप्लोमा किया हो मेडिसिन लाइब्रेटरी के लिए टेक्नीशियन एंड रिकॉर्ड इंस्टीट्यूट से आप लोग किए हो। दूसरा, ऑन ईयर्स का एक्सपीरियंस लाइब्रेटरी और टेक्नीशियन का आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी की बात कर लेता हूँ, आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर के लिए 20 से लेकर 28 साल तक आपका उम्र रखा गया है। इसमें भी आपका प्लस 2 मांगा गया है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री से हो, बायोलॉजी होना चाहिए सब्जेक्ट में आपका, यही डिप्लोमा रेडियो डिजिनेशन किए हो, ठीक, आप चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट से, ठीक है ना, 1 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस फील्ड का होना चाहिए। नेक्स्ट, यही वैकेंसी की बात करता हूँ, आपका उम्र वगैरह का जो भी है, आपका 27/11/96, ठीक है, लाइब्रेटिशियन का जो भी आपका एज किया गया है, इसके बारे में डिटेल हम आपको समझा देते हैं। क्रूशियल डेट से जो भी आपका जो अप्लाई से लेके और अभी तक के लिए आपका 26/11/2024 तक का आपका एज होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट और आपकी वैकेंसी की बात कर लेता हूँ, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिजियोथेरेपी के लिए आपका प्लस 2 होना चाहिए,
ठीक है ना, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से किए हो, 18 से लेकर आपका इसमें 25 साल का उम्र रखा हुआ है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपको फिजियोथेरेपी से होना चाहिए, ठीक है ना, किसी भी बोर्ड से आपका, ठीक है ना, स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी की बात कर लेते हैं हम आपका, ठीक है ना, नेक्स्ट वैकेंसी आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्नीशियन की बात करता हूँ, उम्र की बात करता हूँ तो 18 से 25 साल, प्लस टू आपको होना चाहिए, ठीक है ना, किसी भी यूनिवर्सिटी बोर्ड से, डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑपरेटर ऑपरेशन थिएटर से, टेक्नीशियन एंड इंस्टीट्यूट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल का चाहे आपका स्टेट गवर्नमेंट से आपका डिप्लोमा ऑपरेशन थिएटर का होना चाहिए। नेक्स्ट बात करता हूँ, अभी आ जाते हैं हेड कांस्टेबल के लिए, तो हेड कांस्टेबल सिटीजन रूम के लिए असिस्टेंट के लिए बात करता हूँ, 18 से लेकर 25 साल रखा गया है, आपको प्लस टू पास रखा गया है, सिर्फ 12वीं पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, साथ में सर्टिफिकेट आपका सेंट्रल सिटीजन रूम असिस्टेंट हॉस्पिटल, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट या आपका स्टेट गवर्नमेंट से आपका होना चाहिए, ठीक है ना, आप किसी हॉस्पिटल वगैरह में काम किए हो तो। नेक्स्ट आपकी बात करता हूँ, ठीक है ना, कांस्टेबल के लिए 18 से लेकर 25 साल उम्र रखा गया है, आपको इसमें मैट्रिक पास होना चाहिए, एक साल का एक्सपीरियंस हॉस्पिटल का होना चाहिए, ठीक है ना, क्वालिफाई ऑफ द रिलैक्सेशन ऑफ द डिस्पेंस ऑफ द कम्प्लीटली अलाउड ऑफ द केस ऑफ कैंडिडेट अदर ऑफ द क्वालिफाइड, ठीक है ना, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये पूरा मैं नोटिस पे ही वीडियो बना रहा हूँ आपको, ठीक है ना, एक साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है और आपका 10वीं पास मांग रहा है। नेक्स्ट वैकेंसी आपका है कांस्टेबल लाइन मैन कीपर का, ठीक है ना, लाइन मैन कीपर का 18 से लेकर 25 साल उम्र रखा गया है, इसमें भी 10वीं पास मांग रहा है, 10th पास, उसके बाद से वो एक साल का एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग लेटेन ऑफ द हॉस्पिटल, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेजनिंग, आपका एक साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आपकी वैकेंसी के देख लेते हैं, कांस्टेबल टेलीफोन ऑपरेटर का, ठीक है ना, जो 18 से लेकर 25 साल आपका उम्र मांगा जा रहा है, इसमें भी आपकी 10th पास मांगा जा रहा है, ठीक है ना, एक साल का एक्सपीरियंस टेलीफोन ऑपरेटिंग ऑफ द ऑफिशियल हॉस्पिटल हैविंग, ठीक है ना, 50 लाइन PBX, ठीक है, सिस्टम वर्किंग, आपको एक साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात और कर लेते हैं, आपका नेक्स्ट वैकेंसी है प्यून की, कांस्टेबल प्यून का, तो 18 से लेकर 25 साल, 10वीं सिर्फ पास है, ठीक है ना, इसमें भी आपका क्वालिफाइड ऑफ द रिलेक्शन इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ द कंप्लीट अथॉरिटी ऑफ द केस ऑफ द इन कैंडिडेट ऑफ स्टूल विल, आपको सिर्फ इसमें 10वीं पास मांग रहा है, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको और चलिए नीचे लेके चलते हैं, क्या लिखा हुआ है आप देख लीजिए, कट ऑफ डेट ऑफ एज ऑफ रिलेक्शन, आप एज का आपका जब रिलेक्शन किया जाएगा, देख लीजिए 26/11/2024 से आपका एज काउंट किया जाएगा, ठीक है ना, आप सभी सबको पढ़ लीजिएगा जो लिखा हुआ है, फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिजियोथेरेपी हेड कांस्टेबल कांस्टेबल टेक्नीशियन सिटीजन रूम असिस्टेंट सब के लिए आपका जो भी उम्र जो निर्धारित किया गया कट ऑफ के लिए किए 26/11/2006 के तुलना में आपका होना चाहिए। चलिए अब इसको बात कर लेते हैं, आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा, अब इसका डेट क्या रहने वाला है और कब से अप्लाई होगा, तो सब कुछ आपको बताने के बाद इसका प्रक्रियाएं पहले देख लीजिए क्या क्या होने वाला है, इसमें देख लीजिए द सिलेक्शन प्रोसेस, आप पहले आपका फिजिकल इक्वेंसी टेस्ट होगा, PT होगा, फिर फिजिकल PST होगा, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर रिटन एग्ज़ाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पैरामेडिकल एग्ज़ाम जो भी आपका होगा ट्रेड का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद से आपका मेडिकल होगा, फिर आपका री मेडिकल होगा, उसके बाद से नीचे अभी आपका लेके चलते हैं। अब देखिए अप्लाई का जो डेट दिया गया है, ठीक है ना, देख लीजिए यहाँ पे ऑनलाइन अप्लीकेशन कब से होगा, 28/10 से, जी 28/10 से आपका अप्लीकेशन शुरू हो जाएगा, जो कि 12:01 से शुरू होगा और जबकि 26/11/2024 को रात को 11:59 तक ये फॉर्म अप्लाई होगा। तो ये जो नोटिस था हमने आपको दिखा दिया, ITBP का ASI और हेड कांस्टेबल की वैकेंसी नहीं है, अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन दे दिया है हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, वहां से देख, तो आप लोगों ने ये नोटिस देख लिया है और जो जानकारी आपको दिया है पूरा नोटिस जारी हो गया है, आप इसकी अप्लाई कर सकते हैं और तैयारी भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।